ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને પગલે સરદાર સરોવર ડેમમાં પાણીનો સતત વધારો થતા નર્મદા ડેમના દરવાજો ખોલતા નર્મદા નદી ઘોડાપુર જેવી પરિસ્થિતિ। નર્મદા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર જિલ્લા કલેક્ટર શ્વેતા તેવતિયાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લાના સંબંધિત મામલતદાર પ્રાંત અધિકારીને પૂરગ્રસ્તમાં ફસાયેલા લોકોને NDRF SDRF ટીમ દ્વારા રેસ્ક્યુ કરીને ગામમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા। गरुडेश्वर तालुकाना केवड़िया नदी कांठाना विकलांग बबलाभाई तड़वी, सुरेशभाई, दत्ताबेन, सांताबेन अने परिवारना सभ्यो तथा 15 लोकोने रेस्क्यू करीने बहार काढवामां आव्या हता तथा गभाणा गामे केटलाक लोको पाणीमां फसाता तेमने पण रेस्क्यू करीने सलामत स्थळे खसेडवामां आव्या हता। केवड़िया खाते नवनियुक्त जिल्ला पंचायतना प्रमुख भीमसी तडवी, धारासभ्य दर्शनाबेन देशमुख तथा जिल्ला पोलीस वडा प्रशांत सुबे अने पोलीस जवानों द्वारा लोकोने सलामती स्थळे खसेडवानी व्यवस्था अर्धी रात्रे करवामां आवी हती। आ रेस्क्यू कामगीरीमां प्रांत अधिकारी कोकलाणी, मामलतदार भोई तथा स्थानिक आगेवानो अने ग्रामजनोना सहयोगथी बचाव राहत कामगीरी त्वरित धोरणे करवामां आवी हती अने NDRFना 22 जेटला जवानो फसायेला लोकोने बोट द्वारा बचाव कामगीरीमां जोतराया हता। केवड़िया नीचला फरियामां 30 लोकोनुं रेस्क्यू करायुं हतुं। नर्मदा जिल्लाना गरुडेश्वर तालुकाना नदी कांठाना कुल 13 गामोना 58 कुटुंबोना 440 लोको सगा संबंधी तथा प्राथमिक शाळा हाईस्कूलमां सलामत स्थळे तारीख 16/9/2023 स्थानांतरित करवामां आव्या छे। आ संख्या रात्रिना 12 कलाकनी परिस्थिति दर्शावे छे। जिल्ला विकास अधिकारी अने जिल्ला अमलीकरण अधिकारीओ पण आ रेस्क्यू मानवताना काममां रात दिन परवा कर्या विना जोतराईने मानवीनी जीव बचावमां दिलथी कामगीरी करी रह्या छे। दीपक जगताप, ZSTV, राजपीपला।